और अब वक्त हो चला है हिमाचल टॉप 10 का। हिमाचल के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीएस बाले ने प्रदेश में आने वाले दिनों में तीसरे मोर्चे की संभावना को दी तरजीह। बसों का किराया बढ़ाने के जयराम सरकार के फैसले के विरोध में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ऊना की सड़कों पर उतरे। हिमाचल में 25% तक बस किराया बढ़ाने के फैसले के खिलाफ बिलासपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पूर्व विधायकों ने जयराम सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया दून विधानसभा की 208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह ने शिमला से आई बस अड्डा प्राधिकरण टीम के साथ पुराने बस अड्डे का किया निरीक्षण। धर्मशाला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयराम सरकार की तरफ से बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। हिमाचल सरकार के 25% बस किराए बढ़ोतरी के खिलाफ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पांवटा साहिब में वन विभाग ने अवैध कच्ची शराब माफिया पर की कार्रवाई। वन विभाग की टीम ने खारा वन क्षेत्र में दबिश देकर 8 भट्टियों को नष्ट किया। चंबा मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या लंबे वक्त से, छोटी बड़ी दो नदियां होने के बावजूद परेशान हैं लोग। हमीरपुर में कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग रखना एक युवक के लिए भारी। गले नहीं मिलने पर नशेड़ी ने बुरी तरह से पीटा, नाक की हड्डी भी तोड़ी।